हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड में इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे, लेसन 25। लेसन का नाम है अली बाबा एंड द 40 थीव्स। सेकंड पार्ट है ये। बच्चों, हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आइए आगे की स्टोरी हम पुस्तक से, बुक से पढ़ते हैं। लेसन 25, अली बाबा एंड द 40 थीव्स पार्ट 2। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी हम लोग पार्ट 24 में या 24 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट को, अब सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। अली बाबा टुक द ट्रेजर्स होम। अली बाबा टुक मीन्स ले लिए, किसको? खजाने को। द ट्रेजर मीन्स खजाने को, होम मीन्स घर। अली बाबा खजानों को घर ले आए। वी हैव बिकम रिच। अब हम अमीर हो गए, बन गए। बिकम मीन्स बनना, रिच मीन्स अमीर या धनी, हम धनी हो गए। माई डियर, मेरी प्रिय, ही सेड टू हिज वाइफ, अली बाबा ने ऐसा अपनी पत्नी से कहा। लेट अस वेक द गोल्ड। आओ इस सोने को तौलें या नापें। वेग मीन्स वजन करना उसका, गोल्ड मीन्स सोना। यू गेट द वेगिंग मशीन फ्रॉम माई ब्रदर कासिम। यू मीन्स तुम, गेट मीन्स जा कर के ले आओ। वेगिंग मशीन, वजन तौलने वाली मशीन, कहाँ से लाने के लिए कहा अली बाबा ने? अपने भाई कासिम के यहाँ से अपनी पत्नी को भेजा कि जा कर के वहाँ से वजन तौलने वाली मशीन ले आओ। बट कीप दिस एज सीक्रेट। बट लेकिन, कीप दिस एज सीक्रेट, इसको तुम रहस्य ही रखना। सीक्रेट मीन्स रहस्य। अली बाबाज वाइफ वेंट टू कासिम्स हाउस। अली बाबा की पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी, वेंट मीन्स गई, कहाँ गई? कासिम्स हाउस, कासिम के घर। ही वॉज वेरी रिच। कासिम जो है वो बहुत अमीर था, धनी था। She asked Kasim's wife for the scales. अली बाबा की पत्नी ने कासिम की पत्नी से स्केल मांगा, स्केल के लिए पूछा। तराजू, स्केल मीन्स होता है तराजू, तौलने के लिए। क्या तौलने के लिए? सोना तौलने के लिए। कासिम्स वाइफ वॉज सरप्राइज्ड। कासिम की जो पत्नी थी वह आश्चर्यचकित हुई। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। शी थॉट टू हरसेल्फ। वह अपने आप में सोची, थॉट मीन्स सोचना, हर साथ में, स्वयं में। कासिम की पत्नी ने स्वयं में सोचा, वाई डू दे वॉन्ट द स्केल्स, ये स्केल क्यों चाहते हैं या तराजू ये क्यों चाह रहे हैं, क्यों इन्हें चाहिए तराजू? दे आर सो पुअर, वे बहुत गरीब हैं, गरीब, वे बहुत गरीब हैं। वॉट डिड दे गेट टू वेक, वे इससे क्या तोलेंगे, क्या नापेंगे? आई मस्ट फाइंड हिम, मुझे इसकी खोज करनी चाहिए। आई विल पुट सम गम ऑन द स्केल्स, मैं इस स्केल में, इस तराजू में सम मीन्स कुछ, गम मीन्स गोंद को लगा देती हूँ, लगाऊंगी। किस लिए लगाएगी? सो दैट अ पार्ट ऑफ द थिंग दैट दे वेग विल स्टिक ऑन इट, कि जिससे भी ये लोग जो भी सामान तोलेंगे वह इसमें चिपक जाएगा, स्टिक मीन्स चिपक जाएगा। ऐसा उसकी पत्नी ने, कासिम की पत्नी ने सोचा और किया भी। देन आई कैन नो, तब, देन मीन्स तब, मैं जान सकती हूँ, नो मीन्स जानना, मैं जान सकती हूँ, व्हाट दे वेग, कि उन्होंने इस तराजू से क्या तोला या क्या नापा। बिफोर शी गेव द स्केल, वह स्केल देने से पहले, बिफोर मीन्स होता है पहले, गेव मीन्स देने से पहले, तराजू देने से पहले, शी पुट सम गम, कासिम की पत्नी ने उस तराजू पर कुछ गोंद लगा दिए। अली बाबास वाइफ टुक द स्केल्स टू द हाउस। अली बाबा की पत्नी ने, पत्नी स्केल को लेकर के घर आई, स्केल मीन्स तराजू को लेकर के घर आई। एट नाइट, उस रात्रि, वेन ऑल वेयर अस्लिप, जब सभी सोए हुए थे, वेन मीन्स जब, अस्लिप सोए हुए, दे टुक द गोल्ड पीसेस आउट, वे गोल्ड के टुकड़ों को ले आए। टुक मीन्स ले आए, गोल्ड पीसेस माने सोने के टुकड़े को बाहर लाए, आउट मीन्स बाहर। ही वेग्ड,
और उसे नापे, सोने के टुकड़ों को नापे, एंड और पुट देम इन एन अर्थन जार, और उसे अर्थन जार में रख दिया। अर्थन मीन्स होता है मिट्टी के जार में, पुट मीन्स रखना, उस सोने के टुकड़ों को मिट्टी के जार में रख दिए। द जार वॉज बरीड, और जार को क्या कर दिए, गाड़ दिए, जमीन के अंदर गाड़ दिए, इन द ग्राउंड, जमीन में गाड़ दिए। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, न्यू मीन्स जानता, दैट कि दे हैड गोल्ड कॉइन्स एंड हैड बिकम रिच, कि उनके पास सोने के सिक्के थे और वे अमीर हो चुके थे। बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड लाइक पुअर पीपल, क्योंकि वो गरीब लोगों की तरह रह रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अली बाबा'स वाइफ टुक द स्केल बैक टू कासिम्स हाउस, अली बाबा की पत्नी ने स्केल को कासिम के घर वापस कर दिया, तराजू को कासिम के घर दे आई। शी थैंक्ड हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी को धन्यवाद दी, एंड और रिटर्न्ड क्विकली, और तेजी से लौट आई। क्विकली मीन्स तेजी से, रिटर्न मीन्स लौटना। कासिम्स वाइफ एग्जामिन द स्केल्स टू फाइंड आउट व्हाट दे वेग, कासिम की पत्नी एग्जामिन मीन्स परीक्षण की, कि स्केल से, उस तराजू से क्या चीज़ वेग किया गया है, क्या चीज़ नापा गया है, तोला गया है। ऑन द बॉटम, उसकी तली में, तराजू की तली में, द फाउंड अ गोल्ड कॉइन स्टक, गोल्ड का कॉइन, एक सोने का छोटा सा कॉइन स्टक में चिपका हुआ था। ऑन द गम, गम की वजह से, शी शोड इट, वह दिखाई, किसको दिखाई, अपने हस्बैंड को, टू हर हस्बैंड। एट वंस कासिम वेंट टू अली बाबा टू फाइंड आउट हाउ ही गॉट द गोल्ड, एट वंस, तुरंत ही कासिम वेंट मिस चला गया अली बाबा को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, ही कि वो कहाँ से सोना पाया है, गॉट मीन्स उसे सोना कहाँ से मिला। अली बाबा टोल्ड हिम, अली बाबा ने उससे कहा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, ही वॉन्ड हिम नॉट टू गो टू द केव, और अली बाबा ने कासिम को चेतावनी दिया, वॉर्न किया कि तुम वहाँ उस गुफा के पास मत जाना, Not to go the cave. कासिम was greedy. कासिम जो था वो लालची था, greedy means लालची था. He wanted to collect plenty of gold. वह बहुत सारे gold को, सोने को अधिक मात्रा में इकट्ठा करना चाहता था. So he took 10 donkeys. इसलिए, so means इसलिए, उसने 10 गधे लिए, 10 donkeys, 10 गधे लिए, and और big boxes, और बड़े बड़े बॉक्स लिए, टू कैरी द गोल्ड, सोने को रखने के लिए। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल गया, फॉरेस्ट में जंगल, एंड और फाउंड द रॉक, और उस चट्टान को खोजा। ही स्टूड बिफोर इट, वह उसके सामने खड़ा हो गया, कासिम उसके सामने खड़ा हुआ, एंड और सेड अलाउड, जोर से कहा, अलाउड मीन जोर से, सेड मीन्स कहा, ओपन सी सेम, खुल जा सिम सिम, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, कासिम वेंट इन, और कासिम अंदर चला गया, वेंट मीन्स चला गया। देन ही सेड शट सिम एंड द डोर क्लोज, उसके बाद जब वो अंदर आया कासिम, तो कहा शट सी सेम, बंद हो जा सिम सिम, और एंड और डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया। ही देन फिल्ड ऑल द बॉक्सेस, ही मीन्स वह कौन, कासिम ने फिल कर लिया, भर लिया, क्या भर लिया, बॉक्सों को, जो बॉक्स ले आया था अपने साथ, उसे भर लिया। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित था, उत्सुक था। आफ्टर फिलिंग द बॉक्स, बॉक्स को भरने के बाद, ही केम टू द डोर, वह दरवाजे पर आया, केम मीन्स आया। ही वॉज सो एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित था, कौन, कासिम, एट द गोल्ड कॉइंस दैट ही फॉरगेट द वर्ड यूज टू ओपन द डोर, गोल्ड कॉइंस तो ले लिया लेकिन वह भूल गया, ही फॉरगेट, वह भूल गया कि किस शब्द को वह यूज़ करेगा तो डोर ओपन होगा।
डोर खुलेगा। ही ट्राइड टू रिमेम्बर इट बट कुड नॉट। वह याद करने की कोशिश किया लेकिन वह उसे याद नहीं आया कि वह कौन सा शब्द था जिसे बोलने पर दरवाज़ा खुल जाएगा। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। स्टिल ही कुड नॉट ओपन द डोर, और वह अभी भी दरवाज़ा खोल नहीं सका। मीनवाइल, इसी बीच, द 40 thieves रिटर्न्ड, वह 40 चोर आए लौटे। When they got inside, they saw Kasim. जब वे अंदर गए तो उन्होंने कासिम को देखा। All were angry, सभी क्रोधित थे। And they killed him, और चोरों ने उसे मार दिया। कासिम's wife was waiting for him. कासिम की पत्नी कासिम का इंतज़ार कर रही थी। Waiting means इंतज़ार कर रही थी। It was night. रात्रि था, यह रात था। बट लेकिन स्टिल कासिम डिड नॉट रिटर्न, अभी भी कासिम नहीं लौटा। नाउ शी बिगेन टू बी अफ्रेड, अब वह डरने लगी। शी वेंट टू अली बाबाज हाउस, और कासिम की पत्नी अली बाबा के घर गई। एंड टोल्ड हिम, और उससे कही दैट कि कासिम हैड नॉट कम बैक, कासिम अभी घर वापस नहीं आया। अली बाबा वेंट टू द फॉरेस्ट, अली बाबा जंगल गए। वेंट मीन्स गए। टू लुक फॉर हिम, उसे खोजने के लिए, किसे? कासिम को खोजने के लिए। ही वेंट टू सीक्रेट केव, वह उस रहस्यमयी गुफा के पास गए। देयर ही फाउंड कासिम्स डेड बॉडी, और वहाँ पर अली बाबा ने पाया कि कासिम की डेड बॉडी, मृत शरीर वहाँ पड़ी हुई है। ही टुक हिज बॉडी होम, अली बाबा ने कासिम के बॉडी को, मृत बॉडी को घर ले आया। एंड और बरीड इट, और गाड़ दिया। नाउ अब द थीव्स न्यू, चोर जानते थे दैट कि सम वन न्यू देयर सीक्रेट, कि कोई उनके रहस्य को जानता है। दे डिसाइडेड टू सर्च फॉर दैट मैन एंड किल हिम, दे वे चोरों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि हम उस व्यक्ति को खोजेंगे और उसे मार देंगे। तो स्टूडेंट, यह कहानी आपको कैसी लगी? जाहिर सी बात है, अच्छी लगी। आप इस कहानी को इस बुक से पढ़िए, रीड करिए और याद करने की कोशिश करिए। थैंक यू।